भाई। हेलो। हाय बोलना था आपको दोनों को। हाँ दोनों को। ओके ओके ओके। हेलो। हाय। चलिए आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज इस वीडियो के लिए। ये है मिस्टर नवीन कुमार, दबंग दिल्ली का सुपरस्टार रेडर, और मेरा छोटा भाई। और ये है मेरे बड़े भाई, दबंग दिल्ली के कैप्टन सुपर डुपर स्टार जोगिंदर भाई साहब, जो मैट पे काफी सीरियस हैं, जैसे इनके जैसा खड़ूस कोई नहीं है, लेकिन बाहर बहुत दिल के नरम है। सर ठीक बोल रहे हैं आप, नरम है बाहर के दिल के। जी जी मैं बहुत नरम हूँ, जैसे मेरे छोटे भाई ने बताया मैं इतना ही नरम हूँ। काफी फनी है भाई साहब, छोटे बच्चे की तरह रखते हैं मुझे, वैसे इनका जो बेटा है मेरी उम्र का है, और फिर भी मैं इनको भाई साहब बोलता हूँ, तो काफी अच्छे हैं दिल के। एज की बात आई गई तो एज से ही स्टार्ट करते हैं। आप ठहरे 19 साल के और सर आप हुए 40, बातें क्या होती हैं, जोक्स वही रहते हैं? अभी मैं लग नहीं रहा, मैं 37 साल का हूँ और मुझे काफ़ी बोलते भी हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस और मेंटेन रखता हूँ अपना बॉडी को। हाँ लेकिन ये नहीं है मैं 37 साल का, तो मैं जैसे नवीन है, मैं सभी से हंसी मजाक करता रहता हूँ, बहुत फनी हूँ मैं, बहुत मजाक करता रहता हूँ, इनको हंसाता रहता हूँ, पूरा इंजॉय करता हूँ इनका। और जो सिखाते हैं, जैसे हमने आपको देखा आप नवीन को ट्रेन कर रहे थे, सिखा रहे थे ये ऐसे करना है, सीख तो जाता है पर वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करता है, फिर आप डांटते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं डांटता हूँ, लेकिन ये कभी ये नहीं कहता मुझे क्यों डांटा, ऐसा नहीं, मैं डांट भी देता हूँ इसको, लेकिन मैं 99% जो बताता हूँ वही करता है ये, और मुझे इस बात पे फख्र है, मैं डांट भी देता हूँ लेकिन ये कभी गुस्सा नहीं करता मेरे पे। नवीन आपके लिए कैसा है, एक टीम में दो दो मेंटर मिल गए, एक तो आपका कोच और आपके कैप्टन? मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है कि भाई साहब भी मुझे सिखाते हैं, जैसे और टीम में क्या है, कोच साहब बताते हैं, टाइम लेके आते हैं, लेकिन जब रेड रेड करने जाता है उसे नहीं पता था कि तुझे क्या करना है, कौन टैकल ले सकता है, तो वो काम मेरे लिए मेरे भाई साहब करते हैं कि तू यहाँ जाएगा टैकल हो सकता है, तुझे अब वो अंदर है तो उसका ध्यान रख रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेनिफिट का काम करता है कि मुझे अब क्या करना है, हर रेड में हर माइंड सिचुएशन में जैसे प्रेशर भी आ जाता कभी, लेकिन भाई साहब मुझे फ्रेश माइंड होकर भेजते हैं, जो मैं फ्रेश माइंड से ही पॉइंट लेकर आता हूँ। ऑब्वियसली कबड्डी की बातें तो आप दोनों करते हैं, पर फिटनेस में, खाने में, डाइटिंग में भी सर आपको थोड़ा कंट्रोल करते हैं कि जो भी एवरीबॉडी इन द टीम कैन डू व्हाटएवर? नहीं नहीं देखिए हम एक गांव से रहने वाले सभी प्लेयर मोस्टली, और हमारा एक देसी घी और दूध का खाना होता है वहाँ पे, जैसे चूरमा है, पराठे हैं, तो हम वो देसी खाना ही पसंद करते हैं, ज़्यादा हम स्पाइसी वगैरह नहीं खाते, कभी भी नहीं खाते, और ना हम खाना पसंद करते हैं। और कभी कभी जैसे कोई मिलने आता गांव से तो चूरमा मंगवा लेते हैं, घी वगैरह भी ले लेते हैं कभी कभी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन भाई साहब स्वीट लस्सी बहुत पीते हैं, पता नहीं क्या मिल रहा है उनको। गाँव में लस्सी वगैरह बहुत पीते हैं ना, वहाँ तो स्वीट लस्सी नहीं, वहाँ तो एक अलग तरह की हांडी होती है, उसमें जैसे दही वही जमा के उसमें हमारी माता या बनाती हैं, तो हम तो वही ज़्यादा पीते हैं। नवीन का पहला सीजन पिछले साल था, अमेजिंग रहा, इस साल और भी अमेजिंग है, कैसा लग रहा है आपको ऐसे यंग प्लेयर्स को देखते हुए? देखिए मैं तो ये कहूँगा ये कि दबंग दिल्ली का फ्यूचर नहीं है, हमारे इंडिया का फ्यूचर है, आने वाले समय में इंडिया के लिए खेलेगा, और जिसको गोल्ड मेडल पहले भी आए हर अभी दिलाएगा, मैं तो कहूँगा ये कम से कम भी 15-20 साल इंडिया के लिए खेले और गोल्ड मेडल लेके आए, हमारी तो दुआएं और आशीर्वाद इसके साथ है। लीग में भी बात होती है नवीन की, बहुत ही ज़्यादा बात होती है, बहुत ही अच्छे अकम्प्लिश प्लेयर हैं ये, तो थोड़ा टीम में भी होता है कि चलो नवीन तुम ज़्यादा एक्सरसाइज मत करो, कुछ ज़्यादा स्ट्रेन मत करो, खाना भी ठीक से खाओ, डू ऑल लुक आउट फॉर हिम आल्सो? नहीं नहीं इसका ध्यान तो रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये कम प्रैक्टिस करेगा, कुछ नहीं, इसके तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करवाते हैं हम चाहे रेस्ट ले लें लेकिन इसको रेस्ट नहीं देते। हाँ इसका खाने पीने का, इधर उधर जाने वाने का, घूमने का, इसका मोबाइल वोबाइल मैं चेक करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, हैं लेकिन ये फिर अपनी मम्मी से या बहन से पापा से बात करता और ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। हाँ लेकिन ऐसा है प्रैक्टिस में कोई कम्प्रोमाइज है, प्रैक्टिस तो ये सबसे ज़्यादा करेगा क्योंकि सबसे यंग लड़का मेरी टीम में यही है। और आउटिंग वगैरह टाइम ऑफ में आप लोग क्या करते हैं? टाइम ऑफ में तो यही है कभी जैसे हमारा अभी 2-3 दिन बाद मैच है, हम कभी मूवी देख ली हैं, तो कभी बैठ के हम हंसते रहते हैं, जोक्स करते रहते हैं, शॉपिंग कर लिया, कभी बोलता भैया चलो शॉपिंग करा के ले जाओ तो मैं ले जाता हूँ इनको शॉपिंग करा के ले जाता हूँ, कुछ इनको पिज्जा बर्गर खाने की एक आधी भाई बोल देते हैं भैया पिज्जा खिलाओ तो पिज्जा खिला देता हूँ मैं इनको। KFC का ये KFC में बहुत जाता है, KFC का था ही मेरा भाई, तो इसको मैं ले जाता हूँ फिर खिला देता हूँ KFC। नहीं मैं पिज्जा बहुत खाता हूँ, पिज्जा मेरा भाई।